I'm sorry. मुझे नहीं पता था तुम्हारी सिचुएशन, तुम्हारी बात पे भरोसा करना चाहिए था। मुझे माफ कर दो प्लीज, आई एम सॉरी। यस सर, आई एम कमिंग। प्राची लेट्स गो, इस लड़की की फालतू बकवास सुनने की हमें कोई जरूरत नहीं, लेट्स गो। नहीं प्राची प्लीज, मुझे इंसाफ दिला दो। अगर तुम चाहती कि मैं नहीं सुसाइड करूं, प्लीज प्लीज मुझे बचा लो। लिसन यू, शट अप विद योर ड्रामा, ओके? शी इज कमिंग विद मी, लेट्स लीव प्राची। नहीं मैं माया के साथ जा रही हूँ, उसे इंसाफ दिलाने। बट प्राची, प्राची लिसन, ये प्राची कर क्या रही है? Really? ये इसका साथ देगी? No. ये उसका साथ नहीं दे रही है, ये रणबीर के अगेंस्ट जा रही है। Really? रणबीर के अगेंस्ट? I didn't expect this from her. यार आर्यन मत कर यार, प्यार सच्चा प्यार। यार अगर उसने मुझे मना कर दिया ना तो मैं मर जाऊंगा यार। नहीं नहीं नहीं, एक सेकेंड, अगर उसने मुझे रिजेक्ट भी कर दिया ना तो मैं हंसते हंसते ले लूंगा। तू तो दोनों कैसे करेगा? हाँ कर क्या रहा है? चुप हो जा, मैं ना तेरे को श्राप दे दूंगा। प्यार का श्राप? तो तुझे पता है तेरी लड़की गर्लफ्रेंड बन जाएगी, तुझे प्यार हो जाएगा, तो ये तो अच्छी बात हुई ना। नहीं तू समझ नहीं ना, लड़की ये बोलेगी कि आपकी तो गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं उसको ये बता दूंगा जाके कि तेरी आज से पहले कोई गर्लफ्रेंड नहीं हुई आज तक। तो इसमें बुराई क्या है? लड़की सोचेगी तू हैंडसम, अच्छा खासा दिखता है, तेरा एक बहुत हैंडसम ब्रदर भी है, तब भी तेरी गर्लफ्रेंड इतनी लेट। तू लगेगा तू लड़का तो है पर तू वैसा वाला लड़का है। वैसा वाला लड़का? वैसा वाला लड़का जो सिर्फ लड़कों में इंटरेस्टेड है। साले रंबी रंबी, क्या हुआ? I need to talk to you. There is a problem. What happened? Are you okay? एक काम करो, सुनो। I need to talk to you. अरे हम बाद में बात करते हैं ना, अभी मेरे को एक्चुअली जाना है, तो मुझे घर पे फोन कर देना ना, अभी मैं जा रहा हूँ। रणबीर, what? It's about Prachi. चलो मेरे साथ। क्या हुआ? क्या बात करनी है प्राची के बारे में? रणबीर, Prachi is against you. Prachi again? क्या क्या बोलना क्या चाहते हो तुम? मैं प्राची जूही हम लोग बाहर गए थे चाय पीने के लिए, वहाँ पे हमने माया को देखा एंड सडनली देयर वाज अ ट्रैफिक एंड सब लोग हॉर्न बजा रहे थे, हमें समझ में नहीं आया क्या हुआ एंड वी ट्राइंग टू फिगर आउट कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तब तक प्राची माया के टुवर्ड्स भागी, शी लेफ्ट अस, शी जस्ट रश्ड आउट टू हर। प्राची ठीक है? उसको कुछ हुआ तो नहीं? एक्सीडेंट वगैरह तो कुछ नहीं हुआ? चुप क्यों हो गई, बोलो ना, इज शी ओके, इज शी फाइन? रणबीर मैं यहाँ पे माया के बारे में बात कर रही हूँ, तुम प्राची पे क्यों फोकस कर रहे हो? जब तुमने मुझे बोला कि प्राची के बारे में बात करनी है तो प्राची पे फोकस करूंगा ना, तो मैं माया की बात क्यों सुनूं? लिसन रणबीर, पहले मेरी बात गौर से सुनो, उसके बाद अपने जवाब सवाल करना समझे? तुमसे कोई सवाल जवाब करने भी नहीं, मुझे बस ये बताओ कि प्राची ठीक है कि नहीं, और क्या ये क्या स्टोरी बना रही हो, लिखे जा रही हो, क्या क्या हो गया, यहाँ क्यों लगी मुझे कहानी सुनाने के लिए? मैं खुद देख लूंगा। Stop it, Ranbir. What? Just listen to me. You know, it's not Prachi you need to worry about. तुम्हें प्राची की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है किसकी टेंशन लेनी चाहिए? अपनी, because she is against you. Yes, रणबीर तुम मानो या ना मानो, I really don't care, पर तुम्हें अपनी फिक्र करने की जरूरत है कि तुम ठीक हो या नहीं हो। Listen, प्राची माया की साइड चली गई है, I saw that. प्राची ने माया को हक किया। रणबीर क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि वो तुम्हारे अगेंस्ट है और वो उस माया से मिल चुकी है। कभी अगेंस्ट नहीं हो सकती प्राची में, मैं उसके अगेंस्ट कुछ नहीं सुन सकता रिया। Enough is enough. Ranbir, try to listen to me. अगर ये बात मैंने किसी और से सुनी होती ना, मैं तुम्हें कुछ कहती ही नहीं, मैं खुद नहीं मानती, पर ये बात मैंने अपनी आंखों से देखी, प्लीज बिलीव मी। मैं तब भी बिलीव नहीं करना चाहता, I'm so sorry. मैं जब अपनी आंखों से देखूंगा ना, मैं तब भी बिलीव नहीं करूंगा। You know why? Because I trust Prachi. मैं तुम्हारे फायदे के लिए बात कर रही हूँ, I'm telling you, Prachi बदल गई, वो तुम्हारे अगेंस्ट चली गई, उसने अपनी साइड चेंज कर ली। She can't, she can never do that. Prachi कभी अपनी साइड नहीं बदल सकती, वो हमेशा से मेरी साइड पे थी, मेरी साइड पे है और मेरी साइड पे ही रहेगी। तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं? तुम मेरी बात समझो, मैं Prachi पे ट्रस्ट करता हूँ अपनी जान से भी ज्यादा। तुम चाहे कुछ भी बोलो, मैं तुम्हारी बात मानूंगा ही नहीं। फाइन, तुम्हें Prachi पे भरोसा है ना, तो गो एंड आस्क कि वो किसकी साइड है। वो मेरी साइड ही है, वो मेरी साइड थी, वो मेरी साइड है, वो मेरी साइड रहेगी। तुम्हें पता है वो मेरे साथ कब खड़ी थी? जब कोई नहीं, पुलिस स्टेशन में मेरा साथ दिया, उसने मेरा ऑफिस में साथ दिया, उसने मेरा हर जगह साथ दिया, और तुम कह रही हो कि वो माया से मिल गई है। तुमने भी मेरा साथ दिया, नॉट सेइंग तुमने नहीं दिया, लेकिन तुम समझो ना, तुम तो मुझे बचपन से जानती हो, तुम्हें तो पता है मैं कैसा। प्राची तो अभी आई है ना लाइफ में,
उसका ट्रस्ट का लेवल देख रहे हो तुम? और चाहे तुम कुछ भी बोलो, अभी कुछ भी बोलो, मैं मानूंगा नहीं। कुछ भी दिखाओ मुझे, कुछ भी बताओ, मैं मानूंगा नहीं, बिकॉज आई ट्रस्ट प्राची। करो ट्रस्ट, गुड फॉर यू। लेकिन मेरी बात ना सुनने की जो तुम गलती कर रहे हो, यू गोना रिग्रेट इट। अंडरस्टूड? आई विल रिग्रेट इट, आई विल रिग्रेट इट। ओ भाई, क्या चल रहा है? तुम लोग की आवाज बाहर तक आ रही थी, हो क्या रहा है? अगर नहीं चाहती कि मैं नहीं सुसाइड करूं, प्लीज प्लीज मुझे बचा लो। साहब, मैंने कुछ नहीं किया, आप गलत इंसान को ले आए। मैं वो क्यों? एक इंसान की असली पहचान उसके बिहेवियर से नहीं, उसकी सोच से पता चलती। और मुझे रणबीर की सोच अच्छी तरह पता, लेकिन यहाँ ना तुम सबकी सोच क्या है ये पता चल रहा है। वो इंस्पेक्टर सर कब आने वाले? हाँ, आ गए। दो दिन पहले मॉलेस्टेशन का केस फाइल किया गया था रणबीर कोहली के खिलाफ, याद है आपको? हाँ हाँ, याद है। मैंने तुमसे उसके कैरेक्टर के बारे में पूछा था और तुमने कहा था कि वो ऐसा नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता। जरूर कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी का शिकार मैं थी, इसीलिए गलत बयान दे दिया। मुझे अपना बयान बदलना है। क्या पता क्या बकवास कर रही थी? बोल रही थी कि प्राची और माया दोस्त हैं। Can you imagine? दोस्त कहती गले मिल रहे थे, बात कर रहे थे बाहर खड़े हो। मुझे अच्छे से पता है ना प्राची कैसी लड़की है। वो प्राची एक बारी में देख के एक लड़की के बारे में सब बता देती है। और इनफैक्ट वो लोहड़ी का फंक्शन, याद है लोहड़ी के फंक्शन में प्राची मुझे बोल रही थी कि उस माया से दूर रहना, वो उसकी खुद दोस्त बन जाएगी। और जब मैंने उसको बोला, द मोमेंट आई टोल्ड हर कि आई डोंट ट्रस्ट यू, आई ट्रस्ट प्राची, गुस्सा हो गई। अबे बट ये प्राची और माया यार, दिस इज नॉट पॉसिबल ओनली। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई टोल्ड हर। चलना छोड़ना यार, ये सब क्यों बकवास की बातें कर रहे हैं हम लोग? जो गली जाना नहीं उसका पता क्यों पूछ रहे हैं? और देख भाई, तू रिया के बारे में ना इतना मत सोच यार, हम दोनों जानते हैं वो कैसी है। सो जस्ट चिल। नो यार, दिस इज नॉट डन जस्ट बिकॉज़ कि वो एक बिगड़ी हुई लड़की है, वो प्राची के बारे में कुछ भी बोल सकती है, हमेशा नहीं चलेगा ये सब, नॉट एनी मोर। और वैसे भी मुझे रिया के असली इंटेंशन समझ में आ गए। वेट वेट वेट, व्हाट इंटेंशंस? तुम उससे प्यार का नाटक करो, जस्ट मेक अ फॉल इन लव विद योरसेल्फ एंड ही वो जस्ट ब्रेक अ हार्ट, मतलब ऐसा दिल तोड़ो कि उसका दिल कभी जुड़ ही ना पाए। तुम फिर उसका दिल तोड़ दो और मैं तुम्हें अपना दिल दे दूँ। देख, वो मैं नहीं बता सकता, लेकिन बस ये समझ ले कि मैं रिया के कहने पे कुछ बहुत बड़ा पाप करने वाला था। पाप टाइम, रिया के कहने पे? भाई तुम्हें को ठीक से बता, तू क्या करने वाला था? मुझे बात बहुत पहले बता देनी चाहिए थी तेरे को, लेकिन तू इसे मेरा बचपना कहे, मेरी मैच्योरिटी कहे, कुछ भी कहे, पर कुछ टाइम पहले तक मुझे ऐसा लगता था कि मुझे रिया से प्यार हो गया और मैंने उसको प्रपोज भी किया था। उसने एक्सेप्ट नहीं किया, या पर उसने ये बोला कि अगर मैं चाहता हूं कि वो हाँ बोले तो मुझे उसकी एक शर्त माननी पड़ेगी। क्या वो शर्त? ये थी कि वो शर्त ये थी कि मुझे प्राची का दिल तोड़ना पड़ेगा। और तुझे पता है मैं कैसा हूं, मैंने हाँ भी बोल दिया। वो चाहती थी कि मैं प्राची के साथ प्यार का नाटक करूं, उसे करीब जाना था, और जब उसको मुझसे प्यार हो जाए तो मुझे उसका दिल तोड़ना था, इससे प्राची हर्ट हो जाएगी और रिया खुश। मैंने हाँ कैसे बुलाया, पर धीरे धीरे जितना मैं उसके करीब जाता रहा ना प्राची के, उतनी वो मुझे बहुत अच्छी लगने लगी है। She's a pure soul. बहुत बहुत अच्छी लड़की है वो, सच बोलती है, सबकी मदद करती है। मैं दिल तोड़ने गया था और मैं दिल लगा के आ गया। रिया ने तुझे प्राची का दिल तोड़ने को कहा सिर्फ उससे रिवेंज लेने के लिए? हाँ यार, पर आर्यन तुझे मेरी कसम है, तू किसी को ये बात नहीं भूलेगा, किसी को नहीं।
प्रॉमिस कर मुझे। मुझे यकीन नहीं होता अपने ऊपर यार, मैं इतना स्टूपिड था, जो शर्म आती है अपने ऊपर, मैंने हाँ कैसे बोल दिया। रहने दे, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। तुम वो रिया किसी से भी ये काम करवा सकती थी। देखो मालूम है वो ड्रग केस जिसमें प्राची फंस गई थी, और बहुत है प्राची को रिया नहीं फंसाया था। नहीं, मैंने बात करते हुए सुना यार उन लोग को। किसको किसको सुना तूने बात करते हो? क्या बात कर रहे थे ये सब? छोड़ना यार, जाने देना, क्या फर्क पड़ता है यार। मेन मुद्दा ये है कि रिया के नॉट बी ट्रस्टेड, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू प्राची। अभी प्राची के रिलेटेड अगर कुछ भी हुआ ना, रिया हमेशा झूठ ही बोलेगी, क्योंकि स्टार्टिंग से रिया प्राची से जलती थी यार, और वो जलन स्लोली स्लोली नफरत में बदलने लगी है यार, और अब तो दिख रहा है। अरे नफरत करे कुछ भी करे, उससे फर्क नहीं पड़ता, रिया प्राची को हर्ट नहीं कर सकती। ड्रग केस में रिया ने फंसाया, आज तक जो होता आया हो गया। आर्यन मैं तुझे आज एक बात बता रहा हूँ, जब तक मैं उसको प्राची के अगेंस्ट कुछ नहीं करने दूंगा, दीवार की तरह खड़ा रहूंगा। Hey, are you okay? डैड मैं आपसे कुछ करने को कहूंगी, आप करेंगे? Without any question. Anything for you. Without asking any question. Of course, anything for you. Just tell me what it is. मैं नहीं कहूँ। All this doesn't make sense to me. Just doesn't make sense. But Dad, I request you please. और आपने तो कहा था बिना सवाल पूछे करेंगे। And I know you love me a lot. And please. अगर आपका मन नहीं है ना, आप बिना मन के कर दो, बट प्लीज डू इट। ओके फाइन, आई विल डू इट। थैंक यू। ओए, क्या तो हुई बात? नहीं यार, बात ही नहीं हुई अभी तक। कहीं रिया की बात सच तो नहीं है? प्राची ने अगर साइड्स चेंज कर लिया हो तो? अभी देख, पहले वो तेरे साइड पे थी, अगर वो अभी माया के साइड हो गई हो तो? तेरे पे से ट्रस्ट उड़ गया हो तो? बकवास कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं यार, एक बार सोच के दे। इट इज पॉसिबल। मुझे नहीं सोचना इस बारे में, ना मुझे इस बारे में कुछ सोचना है ना कुछ समझना है। मुझे पता है प्राची को मेरे पे बहुत भरोसा है। तुझे पता है मेरे सामने लड़ी थी वो? किससे? अरे यार, ऑफिस के स्टाफ को सुना दिया था उसने, प्राची जैसी लड़की ने। मुझे अच्छे से पता है उसको मुझ पे भरोसा है। मुझे बस एक बात की टेंशन हो रही है, वो एकदम से ऑफिस से चली गई बिना बताए, अचानक से। कहाँ है वो? ठीक है, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है वो समझ में नहीं आ रहा। एक काम कर, शाहना को कॉल कर। शाहना का नंबर है ना तेरे पास? हाँ है। उसको कॉल कर, वो बताएगी प्राची का। प्राची क्या हो गया है तुझे? बात क्यों नहीं कर रही है तू मुझसे? शाहना प्लीज बात मत कर मुझसे, मुझे नहीं बात करनी, चुप रह। हेलो। हेलो शाहना। हाँ बोलो। हाय, हाउ आर यू? प्राची है क्या? हाँ वो यहीं पर ही है, पर मुझसे बात ही नहीं कर रही है, अजीब बिहेव कर रही है। अब शाहना, हाय रणबीर बोल रहा हूँ। hey, प्राची से बात कराना 2 मिनट। हाँ एक सेकेंड, रणबीर को तुझसे बात करनी है। बोल दे मैं सो गई। वो सो गई है। ठीक है, थैंक यू शाहना। अच्छी बात करना। रणबीर बेटा, मम्मी जी बुला रही है। आ रहा हूँ। ओए पल्लो जल्दी कर, बहुत जोर दी भूख लगी है। हाँ मुझे भी। अरे आ जाओ भाई, आ जाओ। तू उधर बैठ, चल आजा। पुत्र मैं यहाँ बैठूंगा, तू यहाँ कौन बैठेगा? इतने मेरा पुत्र बैठेगा रणबीर, चल जा। कमाल है यार, कमाल है, मतलब लाहौल मिला कुवत। बाहर जितनी इज्जत है मेरी, घर पे उतनी वैल्यू नहीं। तेरी तो बाहर भी इज्जत नहीं है पुत्र, मैनु सब पता है। अरे खाई, मैं हूँ ना, मैं खोलूंगा सब। खोलना मेरा काम है। चिल कीजिए, मैं हूँ ना। सिर्फ ये मुझे प्यार कर। बेल कौन बजा रहा है? मतलब लॉक थोड़ी है घर यार। मिस्टर रणबीर कोहली। यस इंस्पेक्टर, वो अंदर है। हम उसे अरेस्ट करने आए। अरेस्ट?
एक सेकंड। किस जुर्म? माइक केस में, जिस पर इनके ऊपर मोलेस्टेशन। अरे उस दिन, लेकिन हमने आपके सामने, हम पुलिस स्टेशन आए थे, इसको बेल पे छुड़ाया था कि नहीं? आप थे ना वहाँ पे, तो कैसे कैंसिल कर सकते हैं वो बेल? बेल हुई थी, और उस वक्त हमारे पास इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं, अब सबूत है, इसलिए हम इन्हें अरेस्ट करने आए। झूठा सबूत है आपके पास? अरे जब उसने कुछ किया ही नहीं तो सबूत किस बात का? सबूत ही नहीं, गवाह है हमारे पास। उनकी गवाही के आधार पर हम रणबीर को अरेस्ट कर सकते हैं। इस बात का क्या सबूत है आपके पास कि जो गवाह है आपके पास वो सच कह रहा है? हो सकता है वो झूठ बोल रहा हो। लेकिन हम वो क्या, मैं आपको मेरे बेटे को बिल्कुल अरेस्ट नहीं करने दूंगी। समझ के क्या रखा है इसे, मजाक बना के रखा है इसका? जब मन चाहे उसे उठाकर ले जाते हो। परेशान करके रख दिया हमें भी और उसे भी। देखिए इंस्पेक्टर, मैं कह रहा हूँ आपसे, मेरा बेटा जो है ना वो शरीफ लड़का है, और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि वो मेरा बेटा है। हमारे घर पे, ऑफिस में, कॉलेज में, ये उसकी अच्छी रेपुटेशन है। आज तक किसी ने उंगली नहीं उठाई, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है इसके खिलाफ। और उस दिन पुलिस स्टेशन में प्राची आई थी ना, प्राची आई थी, उसने पॉजिटिव स्टेटमेंट दी थी इसके फेवर में दिए। और प्राची की स्टेटमेंट इसलिए मैटर करती है क्योंकि वो लड़की जो है ना वो कभी बकवास सहन नहीं करेगी, वो कभी गलत का साथ नहीं देगी, और खास तौर पे जब कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ेगा तो उससे वो नफरत करेगी और उसे बख्शेगी नहीं। इसलिए आप ऐसे ही, आप किसी के कहने पे उसका अरेस्ट नहीं कर सकते, और ऐसे गवाही तो कोई भी दे देगा। कोई और देता तो मैं नहीं आता, ये गवाही खुद प्राची ने दी। प्राची ने? हमारी प्राची ने? आप जानते भी हैं किस प्राची के बारे में बात कर रहे हैं आप? जी हाँ, वही प्राची जो रणबीर के साथ उसके ऑफिस में काम करती, जो मिस्टर विक्रम ने अभी उसके बारे में बताया, किसने पुलिस स्टेशन में रणबीर के फेवर बोला। नहीं नहीं, कुछ प्राची थोड़ी ऐसे बात करेगी। हम एग्जैक्टली, वो प्राची ने तो उसका साथ दिया था, आप तो थे, आप कैसी बातें कर रहे, क्यों मुकर रहे हो? पहले वो झूठ बोल रही थी, लेकिन अब सच बोल रही है। अब उसे इस गिल्ट में सोना नहीं पड़ेगा कि उसने एक गलत आदमी का साथ दिया। हो सकता है उसने रणबीर के फेवर में ऐसे ही बोला हो कि उसके ऑफिस में काम करती है, अगर उसके खिलाफ बोलेगी तो उसकी नौकरी भी जा सकती है। क्या पता आप लोगों ने उसके ऊपर दबाव डाला होगा रणबीर के फेवर में बोलने के लिए, या फिर उसने अपने डिसाइड कर लिया होगा कि अब सच बोलेगी। प्राची माया की साइड चली गई है। आई सॉ दैट। ले चलो उसे। आप फिर वही कर रही, पहले भी आपने पुलिस के काम में इंटरफेयर किया था, आप भी वही कर रही। क्या करे, चुपचाप खड़े हुए तमाशा देखते रहे, खबरदार जो मैंने रणबीर को हाथ भी लगाया तो। देखिए मिस्टर कोहली, दिस इज माय लास्ट वार्निंग, अगर आप सब लोगों ने यही किया ना, मुझे सबको अरेस्ट करना पड़ेगा। प्लीज संभालिया इन्हें, ले जाओ इन्हें। आप रणबीर को अरेस्ट नहीं कर सकते, पहले वो फिर आप। मैं किस किस को एक्सप्लेनेशन दूंगा? मैं मांग भी नहीं रहा, मैं टाइम पास करने नहीं आया हूं। ये रहा रणबीर का एंटीसिपेटरी बिल, इसे पढ़ लीजिए और फिर रणबीर को छोड़ दीजिए। मैंने कहा था ना आपसे, इसे इनोसेंट कुछ नहीं, क्या देख लीजिए, जबरदस्ती गुनहगार बना के रखा है उसको। पहले जब रिया ने मुझे बताया कि ये सब कुछ हो रहा है, मैंने रिया की बातों पर भरोसा नहीं किया। टेल मी रिया, व्हाट डू यू टेल यू? मैं ऑफिस में गई थी और मैंने वहाँ पे प्राची को देखा माया के साथ। प्राची माया को गले लगा रही थी, मुझे लगा कि अगर प्राची माया के साथ मिल गई तो 100% वो रणबीर के अगेंस्ट जाएगी। इसलिए मुझे लगा कि ये सब होने वाला है, इसलिए मैं डैड के पास आई एंड आई टोल्ड हिम एवरीथिंग। छोड़ दीजिए, कुछ नहीं हुआ है, इट्स फाइन, ऑल ओके, रिलैक्स। आप प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। कहाँ जा रहे बेटा? रणबीर, लिसन टू मी, रणबीर, 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 रणबीर। रणबीर एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है सर, उसने कभी किसी लड़की के साथ मिसबिहेव तक नहीं किया, मोलेस्टेशन तो दूर की बात। आई नो ऑफ कोर्स तुम बेकसूर, क्योंकि तुम अच्छे हो। जाने दे ये जो है कम से कम
ये रहे के जाने दे वो जो था ख्वाब सा क्या कहे जाने दे ये जो है कम से कम ये रहे के जाने दे क्यों ना रोक कर खुद को एक मशवरा कर ले मगर जाने तो सोचेंगे प्राची माया की साइड चली गई है आई सो दैट कभी आगे ऐसा ही हो सकती प्राची वो जो था खब सा क्या कहे जाने कोई और देता तो मैं नहीं आता ये गवाही खुद प्राची ने दी ये रहे के जाने